जो है मैं बीज लेकर आती हूँ। अभी ये शादी किस किस का बीज है मुझे तो खुद भी नहीं पता। ये क्या कर रही हो शादिया? अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि मेरी सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जितने भी मेरी प्यारी बहनें हैं भाई हैं दुख और तकलीफ में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है दुख और तकलीफ दूर करे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ करने से पहले आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से हमने, आप देख सकते हैं, हमने सावी धनिया और सावा लहसुन जो है उगाई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है उगाई है। तो हमने सोचा कि यहीं पे जो है मेथी और पालक और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उगा लें, जैसे वो हुई है ना, तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो घर में ऐसे ही जो है, क्योंकि दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपको पता है जो बाज़ार से हम लेते हैं तो वो सही भी नहीं होती, तो मैंने सोचा कि आज जो है मेरे पास टाइम है तो मैं ये बना लूं। और फिर बीज भी जो है वो भी आया पड़ा हुआ है, अबू ले आए हैं, तो चल के मैं उगा लेती हूँ इनको। मैं इसकी थोड़ी थोड़ी चौकी करके ना घर पे, आप भी उगा सकते हैं घर पे, मैं अब पूरा तरीका आपको दिखाऊंगी कि ये जो है किस तरह उगती है। हाँ सही है, ये दिखा कर फिर जो है अभी तो टाइम है ना, फिर मंगनी की तैयारियां वगैरह करनी है, तो फिर अभी मम्मी भी जो है वो भी कह रही है कि आपने जो है काफी काम भी करने हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अब जो है इनकी भी एक मौसम होती है, जो सब्ज धनिया और सब्ज लहसुन और मेथी और पालक जो है इस मौसम में आके उगती है। तो मैं भी सोचा कि मैं घर पे ही उगा लेती हूँ और साथ में जो है तोड़ कर साथ में सालन बना लूँगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा चलो बीज ले आओ फिर दिखाओ। मैं बीज भी ले आती हूँ, पहले इसको तो बना लूँ। बस कितना बनाना है और? क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है तो काफी सारे और भी काम होते हैं, तो यकदम से तो सब जो है नहीं बन सकती ना, मैं एक एक करके बनाती हूँ। पहले मैंने एक बनाई, आज फिर से बना रही हूँ, वो तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी होगी। हाँ तो आज ये बना रही हूँ, कल फिर एक और बना लूंगी। हाँ बस सही है, आप ऐसा करें ना, मेरी रख दे, मैं खुद अपनी बना लूंगी। आपको तरीका है बनाने का? आप बता देना ना मुझे तरीका, आप देखते रहना तो फिर आपको 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 भी तरीका जो है वो आ जाएगा। हाँ, अभी जो है मैं चलती हूँ इसको, इसकी मट्टी जो है बिल्कुल एक जैसी करती हूँ, फिर जो है मैं बीज उगाऊंगी, फिर इसको पानी लगाएंगे हम, तो फिर जो है ये बिल्कुल ठीक ही उगाएगी जैसे वो उग गई है। हम तो, हमारा तो खारा पानी है, ये खारे पानी से तो नहीं होती, ये हमारा खारा पानी है। तो पहले तो अब्बू ने, मैंने देखा था कि अब्बू ने जो है पहले भी खारा पानी उसको लगाया था। नहीं वो है कि मैंने मीठा पानी लगाया था, पहले मीठा पानी उन्होंने भी नहीं लगाया था। मैंने उनसे तरीका पूछा है कि मैंने पहले जो है खारा पानी नहीं लगाया था। अच्छा फिर सही है, खारे पानी से हो जाती फिर तो सही है। क्योंकि ये मैं क्यों बना रही हूँ मट्टी ऐसे, क्योंकि जब हम पानी लगाएंगे ना इसके जो है
बीच पे ही जो है खड़ा रहेगा, ये जो है निकलेगा नहीं पानी। हाँ, फिर बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर पानी बाहर चला गया। हाँ, तो हाँ सही है, ये सही है, बाहर ये नहीं जाएगा पानी बिल्कुल भी नहीं। इसमें सबसे और भी है तो हम सिर्फ यही बना लेते हैं। और काम कौन कौन से पड़े हैं? आज तो कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ बनाना है। मुझे तो भूख भी नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैंने तो कुछ खाना ही नहीं। अगर आपने खाना है तो बना लेना। नहीं, मुझे भी इतनी भूख नहीं है। और घर वाले तो खाएंगे ना। हाँ, ये बात है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत जो है वो बन गई है। अभी जो है मैं बीज लेकर आती हूँ तो फिर जो है बनाएंगे इसको। तो शाजिया अभी बीज लेने गए है और अम्मी जो है वो नमाज पढ़ रही है। अभी ये शाजिया किस किस का बीज है मुझे तो खुद भी नहीं पता। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेथी का बीज, आप देख सकते हैं। ये मेथी का है? हाँ, ये मेथी का बीज है। और ये जो है मूलियों का बीज है। मूलियाँ जो उगती हैं। और ये जो है पालक का बीज है। ये बहुत ही ज्यादा महंगे जो है मिलते हैं। क्यारी बनाएंगे और फिर कभी दूसरी क्यारी बनाएंगे और उसको जो है इसमें डालेंगे। अभी मैं चलती हूँ और इसको जो है उगाती हूँ। ऐसे उगाना, पानी नहीं डालना? पहले तो जो है ये पानी नहीं डालते, आपको पता नहीं है लेकिन मुझे तो पता है ना। बस ये तो आसान है, मैंने कहा कि बहुत मुश्किल होगा। तो इसके ऊपर जो है मिट्टी थोड़ी थोड़ी डालनी पड़ती है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये नजर ना आए बस। आप मिट्टी डालनी है फिर ये उगेगा भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा उगेगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये इसको मैंने डाल के थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है डाल दी है, बस इतना सा काफी होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है